आप एक बेटर मूवमेंट होगा। तो टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील और एनएमडीसी, कारण इसका यह है कि अगर आप इंटरनेशनली देखें तो स्टील के प्राइस और आयरन ओर के प्राइस दोनों में अच्छी तेजी बन रही है। स्टील के प्राइस एक हफ्ते में 4% बढ़ चुके हैं फिनिश्ड गुड के, और आयरन ओर के प्राइस में 8% की तेजी एक हफ्ते में आ चुकी है, और ये ट्रेंड कंटिन्यू बनता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि तेजी बनेगी। कारण ये है कि हमने आपको एक दो दिन पहले ही बताया था कि चीन की तरफ से जो सप्रेस डिमांड थी अब वो निकल के आ रही। बीच में कुछ समय लंबा पीरियड चला था जब स्टील कंपनियों के ऊपर दबाव देखने को मिला था, लेकिन अब फिर से वो बढ़ता हुआ दिख रहा। तो इसीलिए मैं लगता है कि ये तीनों कंपनियां आज बढ़िया ग्रीन में ट्रेड करनी चाहिए, स्टील कंपनियां और आयरन ओर की कीमतों का फ़ायदा इनको मिला, क्योंकि ये सीधे सीधे पास ऑन हो रहा। और वहाँ पे भी आप स्टील के प्राइसेस देखिए तो 8,000 रुपये टन, मतलब जो रिटेल में सरिया वगैरह आप लोग खरीदते होंगे वो 8,000 रुपये टन के हिसाब से पहुँच चुकी हैं, और लगातार उसमें प्रेशर बना हुआ है। जो 10वां स्टॉक है वो हिंडाल्को है, और मुझे लगता है ये रेड में ट्रेड करना चाहिए। रेड में इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम की कीमतें जब बढ़ी थी तो इसमें बहुत बढ़िया मूवमेंट आया, फिर जिस दिन गिरी मैंने आपको बताया था तो उस दिन 5% गिरा था, कल भी ये 5% गिरा। फिर उन्होंने अपना एक बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर का प्लान रखा सामने, इन्वेस्टमेंट प्लान, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा और हिट लिया, और अभी भी कई अहम स्तर टूटने की वजह से हमें लगता है कि इसमें और दबाव देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को का ये नॉन फेरस वाला ट्रेंड नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन स्टील में ट्रेंड ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है।